सिंघिया के थाना अध्यक्ष के मंडल ने फेसबुक लाइव से जनता का जन शिकायत सुनने और निदान करने का भरोसा दिए। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना के थाना अध्यक्ष कृष्णकांत मंडल ने जिले के पुलिस कप्तान विनय तिवारी के निर्देश पर फेसबुक लाइव पर जनता के जन समस्या सुनकर हर संभव मदद और निदान करने का भरोसा दिए हैं। उक्त फेसबुक लाइव पर कई लोगों ने जुड़कर अपनी अपनी समस्या से अवगत करवाए तथा कुछ लोगों ने थाना अध्यक्ष द्वारा की गई कार्य को सराहना भी किए हैं। कुमार सुजीत, बहुत बहुत प्रणाम। संजय पूर्वे लिखते हैं, सर दिलीप सिंह कब तक आएगा? किस दिलीप सिंह के बारे में विजय पूर्वे जी आप बात कर रहे हैं? कहाँ के कौन, किस दिलीप सिंह के बारे में बात कर रहे हैं? वारिस लिखते हैं, सर थाना प्रभारी भी वही लोगों को सुनता है। आप संबंधित थाना को करें। और ये अली हसन जी वारसी, आप लिखते हैं थाना प्रभारी सबकी सुनती हैं भाई। दीपू सिंह लिखते हैं, सर रात्रि गश्ती बढ़ा गया और क्राइम बंद जा रहा है। दीपू सिंह जी, आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाग जा रहा है आगे। प्रदीप साहू लिखते हैं, मोबाइल चोरी होने के बाद विभूत तो थाना में आवेदन दिया जिसकी रिसीविंग मिल गई है, अब क्या होगा? ये प्रदीप साहू जी, आपका मोबाइल खो दिया जाएगा, ऐसे विभूतिपुर थाना से संबंधित है, आप थाना से संपर्क करें या तो फिर वहाँ उनके लाइव सेशन का इंतजार करें। रणवीर राय, कृष्ण इतना में अपराधी संतोष यादव परियोजना के हसनपुर के बीच में ही रहते हैं, आप कुछ चाहेंगे तो। रणवीर जी, अगर आपको सूचना है उस अपराधी के बारे में तो हमको जरूर सूचित करें, हम कार्रवाई करेंगे और उठाएंगे उसको, जरूर जेल भेजेंगे। रणवीर जी, आपका मैसेज बार बार आ रहा है 9815 के बारे में, आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क करें। अगर अपराधी घर पर या कहीं भी रहे, जरूर उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। हम लोग घर पे छापेमारी किए थे, नहीं था, जिसके कारण हम लोग वारंट को वापस किए अगले कार्रवाई के लिए। रामदेव सनी लगते हैं, सर माए अपने गांव बोल भाग्य फिर भाग रहे हैं, गुंडा राज बढ़ गया है बिहार में, गुंडा राज बढ़ गया है। लवली आजाद लिखे, आप अच्छे हैं सर, लेकिन आपके डिपार्टमेंट के पदाधिकारी सर आप माफिया में सहयोग करते हैं। लवली आनंद जी, जो भी पदाधिकारी की संलिप्तता रहती है उन पर भी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मेरा काम अच्छा लगा इसके लिए। अंजना कुमारी, टाउन थाना में संपर्क करने पर ये केशव सिंघिया थाना, आज से उम्मीद की जा रही है कि बस, बिल्कुल केशव जी, आप अगले सेशन में भी आप जब आएंगे तो इसका रिजल्ट देखेंगे कि छापमारी हो रही है, पहले भी होती रही है, ऐसी बात नहीं है कि आज छापामारी सिंघिया थाना के द्वारा बस स्टैंड में नहीं की गई है, बराबर की जाती रही है, आगे भी रहेगी, आप अगले सेशन में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद कुमार, जय हिंद सर, जय हिंद। कुमार दीपक जी लिखते हैं, सर मेरा गाड़ी चोरी हो गया दिनांक 13/6 को, अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। कुमार जी, किस थाने, कौन सा केस नंबर है इसके बारे में आप जरूर लिखें। अमित जी लिखते हैं, जय हिंद, जय हिंद अमित जी। दिलीप सिंह मोतिहारी थाना से लाइव, दिलीप सिंह जी आपका बहुत मैसेज आ रहा है, आप मोतिहारी थाना से लाइव के बारे में जानकारी, आप हम तो यहाँ से नहीं बता सकते हैं मोतिहारी थाना के बारे में, आप मोतिहारी थाना से संपर्क करें, वहाँ किस थाने से होगा वहाँ भी जरूर होना चाहिए लाइव। रणवीर राय, ओके सर, थैंक यू, आपसे पर्सनल में बात करूँ। बिल्कुल रणवीर जी, 5815 के बारे में निश्चित रूप से आप बात करें हमसे, अगर कहीं भी आपको सूचना है कि वहाँ छुप के रह रहा है, आप निश्चित रूप से बताएं, हम अवश्य कार्रवाई करेंगे। विजय पूर्वे सर माहे गाँव के दिलीप सिंह, वो संभवतः बाहर आ चुके हैं विजय जी, बेल आउट हो गया है उनका। राम बाबू, जय हिंद। शुभम यादव जी लिखते हैं, सर रोसरा में क्राइम बहुत बढ़ गया है, कुछ बोलिए रोसरा के बारे में। शुभम जी, क्राइम बढ़ता है तो फिर कार्रवाई भी होती है, हम लोग डिटेक्शन भी करते हैं, और रोसरा से संबंधित आप रोसरा थाना अध्यक्ष जो लाइव आएंगे तो उनमें भी आप दे सकते हैं। बिमलेश जी,
लिखते हैं क्राइम कंट्रोल से संबंधित, क्राइम कंट्रोल हम लोग प्रयासरत रहते हैं प्रत्येक क्राइम का उद्भेदन हो। सुजीत कुमार लिखते हैं फेसबुक कंप्लेंट सुन के उसका समाधान देना बहुत बड़ी बात है, बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुमार जी। हम लोग को जो कंप्लेंट मिलता है हम लोग अवश्य कार्रवाई करते हैं उस पर। बहुत सा कमेंट काफ़ी तेज़ी से आ रहा है जिसके कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं, पुनः उसको रिपीट करें। पूजा यादव लिखते हैं सर एक अपराधी भूतेश्वर चौक पे बहुत रंगदारी टैक्स लेता है। पूजा जी बताएंगे आप किस थाने से संबंधित है, नहीं लिखा है संभवतः भूतेश्वर चौक सिंगिया थाने में नहीं आ रहा है। चंदन राज लिखते हैं दारू बंद नहीं हो रहा है। चंदन जी दारू पर हम लोग बराबर शराब का छापमारी करते हैं, सूचना पर अवश्य कार्रवाई करते हैं, आपको भी अगर सूचना हो तो निश्चित रूप से सूचित करें, हम लोग कार्रवाई करेंगे। सोहित पोदार लिखते हैं आपके क्षेत्र में हथियार बनाया जाता है कहाँ पे, सोहित जी आप सूचना सूचित करें मेरे पर्सनल नंबर पे या सरकारी नंबर पे या फिर फेसबुक का जो पुलिस ये समस्तीपुर पुलिस का जो पेज है उस पर आप सूचना दें, हम लोग अवश्य कार्रवाई करेंगे। लीलहौल पंचायत में हीरा लाल जी लिखते हैं शाम 6 से 8 बजे तक पेट्रोलिंग किया जाए, शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों पर कार्रवाई हो सके। बिल्कुल बिल्कुल हीरा लाल जी, पंचायत डेली मेरा गश्ती जाती है लीलहौल के तरफ निश्चित रूप से। संतोष झा जी हिंद सर नवादा जिला में बहुत, नवादा से संबंधित अभिषेक जी पटेल जी आप नवादा से संबंधित मामला नवादा के संबंधित थाना में लिखें। अरविंद कुमार सिंगर जी सर मुझसे एक प्रॉब्लम है, बताएं प्रॉब्लम। अरविंद कुमार सिंगर जी अपना लिखावे प्रॉब्लम बताएं। कुमार दीपक जी ग्राम भरिहार है, केस नंबर 151-23, देखिए कि 151-23 लिखिए, केस नंबर 151-23 में क्या जानकारी चाहते हैं, हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं इसको 151-23 को, उसमें जो भी जानकारी होगी आपको दी जाएगी। अभिषेक पटेल लिखते हैं नवादा जिला में बहुत करीब बाद गया है सर, अच्छा करीब बाद गया है। अभिषेक पटेल जी आप नवादा से संबंधित नवादा जिला के स्टेशन पुलिस स्टेशन में अपना प्रॉब्लम लिखा है, बिथान पीएस का, बिथान पीएस से आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आप फेसबुक पर जो पुलिस समस्तीपुर पुलिस है वहां से सूचना दे सकते हैं। सचिन कुमार लिखते हैं सर यहां होम डिलीवरी हो रहा है, कहां सचिन जी कहां से हैं आप, कहां की बात कर रहे हैं, मेरे नंबर पे आप जरूर सूचित करें, हम लोग कार्रवाई करेंगे। राजीव झा जी लिखते हैं आपके वर्क बहुत ही सराहनीय होता है सर। जय हिंद, जय हिंद राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा काम आपको अच्छा लगा। और रणवीर पासवान जी लिखते हैं गुड इवनिंग सर, क्योटहर पंचायत से बोल रहे हैं सर, सिंघिया थाना में 6 महीना पहले आवेदन दिए थे मारपीट के संबंध में, कोई सुनवाई नहीं। आप रणवीर जी 6 महीना पहले आप आवेदन दिए थे संबंध, किस नाम से दिए थे आप आवेदन बताइए तो लिखे तो, क्योंकि आप संबंधित आवेदन के बारे में थाना से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, किस नाम से आवेदन दिए थे देखेंगे हम लोग उसमें क्या कार्रवाई हुई है। सिंघिया थाना से शराब को मिटाया, बिल्कुल मिथिलेश कुमार जी बिल्कुल, हम लोग शराब के बारे में सिंघिया थाना में बराबर हम लोग शराब पर छापमारी करते हैं। बिहार में पप्पू कुमार लिखते हैं बिहार में दारू आ कैसे जाता है इतना सख्त होने के बाद भी, बिहार में दारू एंट्री करता है तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई भी करते हैं पप्पू जी। रॉकी भाई लिखते हैं आप कौन से पुलिस है, सिंघिया थाना रॉकी जी हैं, रॉकी भाई सुजीत लिखते हैं सिंघिया थाना समस्तीपुर जिला में पड़ता है। श्याम कामत शाह लिखते हैं उजियारपुर थाना प्रभारी से कि मिली भगत से दारू, आप ये आप उजियारपुर थाना अध्यक्ष से संपर्क करें। राहुल कुमार राहुल जी लिखते हैं सर आपसे बिल्कुल उम्मीद है जरूर ध्यान देंगे, बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी। अरविंद कुमार सिंगर लिखते हैं मेरा थाना सिंहिया है ग्राम गोलिया, आप कैसा सूचना देना जा रहे हैं आप दें, मैसेज तेजी के आने के कारण बहुत आगे निकल गया सर। मोहिद्दीन नगर थाना कब लाइव होगा, आप संपर्क समस्तीपुर फेसबुक या पुलिस को देखते रहें उस पर आपको पता चल जाएगा।
आपके थाना बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल ममता माही जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मेरा थाना अच्छा लगा, मेरा कार्रवाई अच्छा लगा। संतोष सिंह जी जय हिंद। रणबीर पासवान गंगिया देवी के नाम से आवेदन दिया है। गंगिया देवी कहाँ से? वो क्यूटहर वाली बात है रणवीर पासवान जी, लिखिए तो क्यूटहर गंगिया देवी। विमलेश कुमार जी, सर आप थोड़ा पानी पी लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। राजा कुमार लिखते हैं विभूतिपुर थाना है, क्या है सर? विभूतिपुर थाना है सर। DRX लगता सर ये प्रशांत। जय हिंद। गुंजन चौधरी लिखते हैं बस आपके जैसे ही रिस्पेक्टेड ऑफिसर चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुंजन जी। साजन राय लिखते हैं सर आपसे कुछ परेशानी बात करना है, पर्सनली बात करना है। ठीक है संजय जी, आप मेरे सरकारी नंबर पर या पर्सनल नंबर बात कर सकते हैं। अरविंद कुमार सिंगर लिखते हैं सर कुछ आदमी मेरे साथ पैसा फ्रॉड कर गया। आप पैसा फ्रॉड से संबंधित आप यहाँ साइबर थाने में भी अपना सूचना दे करके अपना दर्ज करवा सकते हैं, अपना जो कंप्लेन है वहाँ दर्ज करवा सकते हैं। शराब रंजन से संबंधित है, मेरा कहना है सिविल ड्रेस में शराब पकड़ा जाए। मिथिलेश कुमार जी आप सूचना दें, सिविल ड्रेस और वर्दी में अंतर नहीं है, हम लोग वर्दी में ही जाएंगे, सिविल ड्रेस में कहीं भी रेड छापमारी हम लोग नहीं करेंगे। सिविल ड्रेस में छापमारी ना, आप सूचना तो दें, हम लोग कार्रवाई करेंगे। लगभग थाने में मिली भगत से बिकता है गौतम कुमार जी, नहीं लोग डरते हैं। नहीं नहीं गौतम जी आप बिल्कुल निडर होकर के सूचना दें, हम लोग कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुभाष कुमार शर्मा लिखते हैं